नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्पेशल डे। 3 फरवरी के दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं दर्ज हैं। साल 1760 से 2018 तक एक से बढ़कर एक घटनाएं हुई। स्विट्जरलैंड में पनीर बनाने का पहला कारखाना लगाने से लेकर बंबई और कुर्ला के बीच पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन भी 1925 में आज ही के दिन से चली थी। 3 फरवरी को और क्या कुछ हुआ, देखिए हमारी रिपोर्ट में। 3 फरवरी का दिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक और यादगार दिन था। इस दिन भारत ने चौथी बार अंडर 19 का क्रिकेट विश्व कप अपने नाम किया। 3 फरवरी 2018 को न्यूजीलैंड के बे ओवल मैदान में खेले गए इस फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया की तगड़ी टीम को 8 विकेट से मात दी। भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 216 रन पर समेटकर बल्लेबाजों के काम को आसान कर दिया और उसके बाद मनजोत कालरा ने 102 रन की शानदार पारी खेलकर अपनी टीम को रिकॉर्ड चौथी बार विश्व कप की बादशाहत दिला दी। देश दुनिया के इतिहास में 3 फरवरी की तारीख पर और भी कई घटनाएं दर्ज हैं। 1760 सदाशिव राव भाव के नेतृत्व में मराठा सेना ने उदगीर की लड़ाई में निजाम की सेना को बुरी तरह मात दी थी। 1815 पनीर बनाने का पहला कारखाना स्विट्जरलैंड में खोला गया था। 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय खुला। 1925 बंबई और कुर्ला के बीच पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। 1954 इलाहाबाद में चल रहे प्रयाग कुंभ के दौरान भगदड़ मचने से 500 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कुंभ मेले के दौरान की जाने वाली व्यवस्थाओं और मेला प्रारूप में व्यापक बदलाव किए गए ताकि करोड़ों लोगों को संगम तक खींच लाने वाला आस्था का ये पवित्र पर्व सहज और सुरक्षित रहे। 1959 अमेरिका में विमान दुर्घटना में रॉक एंड रोल के 3 सदस्यों की मौत हो गई थी। इनमें 22 साल का मशहूर गायक बडी होली भी शामिल था। 1969 सीएन अन्नादुरई का निधन हुआ था। 1970 तलचर में भारत के पहले और विश्व के सबसे बड़े कोयला आधारित उर्वरक की आधारशिला रखी गई। 1971 चंद्रमा पर तीसरे सफल मानव युक्त अभियान के दौरान अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 14 चंद्रमा की सतह पर उतरा था। 1986 पॉप ने कलकत्ता में मदर टेरेसा से मुलाकात की और दीन दुखियों की सेवा के लिए उनके द्वारा बनाए गए आश्रम निर्मल हृदय का दौरा किया। 1988 परमाणु शक्ति से संचालित पहली पनडुब्बी INS चक्र को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। 2006 मिस्र की एक यात्री नौका खराब मौसम के कारण लाल सागर में डूब गई थी। इस घटना में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2018 भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर 19 विश्व कप में रिकॉर्ड चौथी बार खिताबी विजय दर्ज की थी। स्पेशल डे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। हमारी सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।